नमस्ते, सभी योग साधकों का स्वागत करता हूँ घेर संहिता के व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। समाधि प्रकरण का ये अंतिम व्याख्यान होगा। इसके बाद भी व्याख्यान आयोजित करेंगे नहीं करेंगे इसके ऊपर विचार करेंगे। यदि आप सबका विचार हो कि घेर संहिता के कुछ क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँ, उनको क्वेश्चन आंसर को हम इसमें रखें या किस प्रकार से क्या चीज़ें पूछी जा सकते हैं, उस पर ऊपर विचार करेंगे। लेकिन वैसे ये अंतिम व्याख्यान है घेर संहिता को कम्प्लीट पढ़ाने का। वो क्वेश्चन आंसर क्या है तो फिर अलग से कोई सेशन हम करेंगे। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि यदि व्यक्ति समाधि प्राप्त हो जाता, समाधिस्थ हो जाता है, छह प्रकार की समाधि कही, ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय सिद्धि योग समाधि, भक्ति योग समाधि और राजयोग समाधि, ये सारी समाधि प्राप्त होने के बाद योगी साधक कैसा महसूस करता है, कैसा अपने आप को पाता है, तब वो सारे बंधनों से मुक्त होकर के ब्रह्म का अंश, अपने आप को ब्रह्मा का ही अंग मान के ब्रह्म का अंश मानते हुए सभी प्रकार सभी व्यक्तियों में आत्मा को देखता है और आत्मा में सबको देखता है। मतलब अपनी आत्मा में ही सबको देखता है और सब में आत्मा को देखने का काम करता है। उसके बाद जितने भी सांसारिक हैं, पारिवारिक हैं, बंधन जो है उन सबसे मुक्त हो जाता है। पिता, पुत्र, स्त्री, जितने भी हैं, नौकर चाकर, जमीन जायदाद, इन सबके बंधन से मुक्त होकर के वो मुक्त आत्मा हो जाता है और वो कभी भी फिर उसके बाद जन्म नहीं लेता। वो शिवजी महाराज कहते हैं, जो भगवान शिव कहते हैं कि ये अंतिम है, मुक्ति का अंतिम साधन है। इसके बाद व्यक्ति मुक्त हो जाता है और मुक्त आत्मा के रूप में वो निवास करता है, किसी भी प्रकार का जन्म नहीं लेता, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, बाकी सभी सांसारिक बंधनों के बंधन से मुक्त हो जाता है, इसीलिए वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा। यदि व्यक्ति में वासना यानी कि संस्कार विद्यमान रहते हैं तो कहीं ना कहीं जन्म लेता रहता है, चाहे अच्छे ही संस्कार क्यों ना हो। यहाँ पे सारे संस्कारों के दग्ध बीज होने की बात की। हमारे सारे संस्कार जब दग्ध बीज हो जाएंगे, कर्म नहीं रहेगा, क्लेश नहीं रहेगा, विपाक नहीं रहेगा, आशय नहीं रहेगा, इस प्रकार किसी भी चीज का उसके अंदर प्रादुर्भाव नहीं रहेगा, कोई संस्कार नहीं रहेगा, तो मुक्त हो जाता है, अपने आप को ब्रह्म का अंश समझता है, सभी में आत्मा को और आत्मा में सबको देखने का काम वो व्यक्ति करता है, योगी करता है। ये अंतिम जो लाभ जो बताया समाधि का, यानी कि जो अल्टीमेट जो गोल है हमारा, वो समाधिस्थ होना, मुक्ति प्राप्त करना। तो कहा ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है कि हमारे चार पुरुषार्थ हैं, धर्म यानी कि जो हमारा जो नैतिक कर्तव्य हमारा बनता है उसको करते हुए, अर्थ यानी कि धन की प्राप्ति करना या राशि की प्राप्ति करना, उसके बाद काम अपने कामनाओं की पूर्ति करना और मोक्ष को प्राप्त हो जाना, ये पुरुषार्थ चतुष्टय का जो अंतिम जो पुरुषार्थ है वो सिद्ध होता है समाधि प्रकरण के बाद। ये पूरा समाधि का प्रकरण हमने अनेक व्याख्यानों के माध्यम से पूरा किया। आपको पूरी हट घेर संहिता कैसी लगी, ऐसे ही हमने हट प्रदीपिका को भी डिस्क्राइब किया है। योगदर्शन को हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इस महीने योगदर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा लगभग, और घेर संहिता भी कंप्लीट हो रही है। तो इसके बाद हम किसी अन्य ग्रंथ को भी लेकर के आपके सामने आएंगे। अपना प्यार निरंतर ऐसे ही देते रहें और अन्य भी व्यक्तियों को भी ये व्याख्यान शेयर करें, ताकि वो लोग इन व्याख्यानों को देख करके, पढ़ करके, सुन करके अपना ज्ञान वर्धन कर सकें और अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकें, अपने स्किल को बढ़ा सकें, अपने व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में योग को आत्मसात कर सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप ऐसा चीज को शेयर भी करेंगे, इन चीज़ों को पे अमल भी करेंगे और नित्य प्रतिस्वाध्याय, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य और योग अभ्यास करेंगे, आपकी अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए, आपके यशस्वी जीवन की कामना करते हुए, आपके सफलतापूर्ण जीवन की कामना करते हुए, आपकी सभी कामनाओं, मंगल मनोकामनाओं की पूर्ति की सफलता की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए परमात्मा से आप सबके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आप मुझे सुनते हैं अपना कीमती समय दे करके। योग परिवार नित्य प्रतिदिन बढ़ रहा है, जल्द ही हम 9000 हमारी संख्या होने वाली है। इसके पीछे आप सबका पुरुषार्थ है, निरंतर बने रहें और अपने सुझाव देते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।